Hello everyone, this is Avidash and you are watching our YouTube channel that is Access IIT JEE and NEET. So last lecture में भी हमने यही कहा था कि इसी तरीके से प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा. So let us continue the same thing. We were doing the question based on properties of determinant. So let us do the same things. हम लोग और कुछ questions को practice करेंगे आज इस lecture में भी, ठीक है. और आज के जो questions होंगे वो last two lectures के questions से इनका level थोड़ा सा up होगा, थोड़ा सा higher होगा. So come on, let's see some questions based on properties of determinants. Okay, and the next question or today's first question I shall put on the board, that is x minus 2, x minus 4, x minus 8, 2x minus 3, 2x minus 9 and 2x minus 27. The next I have is 3x minus 4, 3x minus 16 and 3x minus 64 is equals to 0. The question is, if it is the case, यदि ये जो आपका determinant है इसकी value 0 है, then you have to find the value of x. What you have to do, that you have to find the value of x. हमें x का value ढूंढ के लाना है. Okay, तो सबसे पहली बात, ये जो x इतने जगह पे लिखा हुआ है हम उसे हटाते हैं, ठीक है, हम उसे हटा देते हैं. तो बाय परफॉर्मिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास कितना है बेटा, 2x है, क्योंकि हर जगह x दिख रहा है. तो यदि मैं इसको सिंपली एक्सपैंड करूँ तो मे बी आई गेट द पावर ऑफ x अप टू 9 या अप टू 6 या अप टू 4, राइट, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ से मुझे x का पावर 2 मिलेगा एंड देन वो इस x से मल्टीप्लाई करेगा. सो दिस विल गिव मी अ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन देगा जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा मेरे लिए टिपिकल होगा, राइट. So what I can do कि हम x को जितने जगह से eliminate करना चाहें, जितने जगह से x को eradicate करना चाहें, हटाना चाहें, let us do that. तो उसको करने के लिए what we can do is जो कॉलम 2 में यहाँ पे x के साथ 2 है और कॉलम 1 में जो है वहाँ पे x के साथ 1 है. तो यदि मैं कॉलम 1 में 2 को multiply कर दूँ and if I subtract it from the column 2, then I'll not be getting any type of x in column 2, right? मतलब जो मेरा operation है, what operation I am going to operate is C2 replaced by C2 minus 2 into C1. तो जब आप C2 में इसको 2 से multiply करोगे तो x वाला part cancel हो जाएगा और number को solve करना हमारे लिए easy होता है. Okay, similarly खुद idea लगा लीजिए फिर कि C3 में क्या operation करना चाहिए, that C3 should be replaced by C3 minus 3 into C1. क्योंकि यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ पे भी यदि x के साथ 3 हो जाए and we if we subtract those तो मुझे x नहीं मिलेगा, x नहीं मिलेगा means it will be easier for me to solve the equation. Okay, तो काम को आगे बढ़ाते हुए we have to replace C2 and C3. तो C1 का क्या, हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे, रहिए बहुत खुश, रहिए लाजवाब, रहिए मस्त, रहिए. ये सुनो, व्हाट आई हैव टू डू इन कॉलम 2, कॉलम 2 में मुझे इसका 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड माइनस करना है. सो व्हाट आई हैव इज 2x माइनस 3, इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, माइनस 2x और ये साइन चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 4, राइट. सिमिलरली यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर, 2x माइनस 9 तो ऑलरेडी है, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x प्लस 8, राइट, और ये आपके पास ऑलरेडी 2x माइनस 27 है, इसमें यदि आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 16, राइट. चलिए C3 कॉलम में क्या करना है बेटा, C3 हैज टू बी रिप्लेस्ड, C3 को रिप्लेस करना है बाय C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, दैट मीन्स दिस विल बी 3x माइनस विल बिकम प्लस 6, राइट, दिस विल बिकम ऑलरेडी कितना था, 3x माइनस 16 माइनस 3x प्लस 12 एंड दिस इज ऑलरेडी 3x माइनस 64, दिस विल बी माइनस 3x प्लस 24, राइट. सो व्हाट आई हैव नाउ, अब मेरे पास क्या आएगा बेटा यहाँ से, दैट मीन्स आई कैन राइट, हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे, x माइनस 2, x माइनस 4 एंड x माइनस 8. इसमें क्या होगा, गोली चल गई, 4 माइनस 3 इज 1, गोली चल गई, माइनस 9 प्लस 8 इज माइनस 1, गोली चल गई 16, 27 में से 17 माइनस करते तो 10 आता, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, माइनस 11. नाउ यहाँ पे भी गोली चल गई, 6 माइनस 4 इज 2, फिर से गोली चल गई एंड माइनस 16 प्लस 12 दैट इज माइनस 4 एंड यहाँ पे भी गोली चल गई, दैट विल बी माइनस 40, ठीक है. हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए बेटा, आई नीड 2 जीरोस, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, 2 जीरो चाहिए जितने, या फिर उस जीरो को हटाने से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे जीरो मिल जाएगा, लेकिन बेटर मेरे लिए ये है कि
जो x अभी भी तीन बार लिखा है उसको मैं एक बार ही लाना चाहता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, मुझे सिर्फ x यदि यहाँ पे रखना है तो जिस तरीके से हमने कॉलम में से x हटाया था उसी तरीके से हम इन दो दो में से भी x को हटा सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू ऑपरेट, जो मेरा अगला ऑपरेशन होने वाला है दैट इज कि मैं आर टू को सब्सटीट्यूट कर दूँ आर टू माइनस आर वन से एंड आर थ्री को सब्सटीट्यूट कर दूँ आर थ्री माइनस आर वन से। आई कैन डू द सेम राइट। सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बेटा, पहला दो हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे। इसमें क्या होगा, R2 में से R1 को माइनस करना है तो ध्यान से देखिए x माइनस फोर माइनस एक्स प्लस टू, तो ये गया माइनस फोर प्लस टू इज माइनस टू, मतलब यहाँ पे आ गया माइनस टू। इसमें R3 को किससे रिप्लेस करना, अच्छा इधर भी देख लेते हैं, माइनस वन माइनस वन माइनस वन विल बी माइनस टू एंड माइनस फोर माइनस टू विल बी माइनस सिक्स, राइट। चलिए आर थ्री में से भी आर वन को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा बोलो, एक्स माइनस एट माइनस एक्स प्लस टू, दैट मीन्स माइनस एट प्लस टू इज माइनस सिक्स, ओके। माइनस इलेवन माइनस वन विल बी माइनस ट्वेल्व, ओके। एंड माइनस फोर्टी माइनस टू इज माइनस फोर्टी टू, ओके। अब मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है राइट, लेकिन इक्वल में जीरो चल रहा है, ऑफकोर्स इक्वल में आपके पास कितना चल रहा है बेटा, जीरो चल रहा है, ओके। देन वॉट कैन आई डू, आई कैन टेक माइनस टू कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो एंड माइनस सिक्स कॉमन फ्रॉम द थर्ड रो, सो वॉट आई एम लेफ्ट आउट विथ इज माइनस टू कॉमन आ गया एंड माइनस सिक्स कॉमन आ गया, सो एक्स माइनस टू वन टू, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आया, माइनस टू गया मतलब वन वन थ्री एंड माइनस सिक्स गया मतलब वन टू एंड सेवन, राइट। अब हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, इक्वल में जीरो है तो माइनस टू और माइनस सिक्स का कोई मतलब ही नहीं है, दैट मीन्स ऑन एक्सपैंडिंग अलोंग, ऑन एक्सपैंडिंग अलोंग आर वन, आर वन के अलोंग यदि मैं एक्सपैंड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे बेटा, दैट इज ये तो चला गया ना नीचे, इसका कोई काम नहीं है, दैट मीन्स एक्स माइनस टू इसके साथ कितना आएगा देखिएगा, सेवन सेवन माइनस सिक्स एंड सेवन माइनस सिक्स इज वन, माइनस वन इसके साथ कितना आएगा बेटा, ये दो ये कॉलम गया तो सेवन माइनस थ्री इज फोर, राइट। एंड देन प्लस टू, सो प्लस टू एंड टू माइनस वन, टू माइनस वन इज वन, मीन्स वॉट आई गेट इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स माइनस टू माइनस फोर प्लस टू इजिकल्स टू जीरो, गोली चलने के बाद एक्स माइनस फोर इजिकल्स टू जीरो एंड द वैल्यू ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी इज x इज इक्वल्स टू फोर। तो इस तरीके से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं इसी तरीके से, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन वन वन, वन वन प्लस साइन थीटा वन एंड वन वन प्लस कॉस थीटा। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसके लिए बेटा, दैट इज वन वन वन, वन वन प्लस साइन थीटा एंड वन एंड वन वन एंड वन कॉस, वन प्लस कॉस थीटा, ओके। सो टू फाइंड इट्स वैल्यू, सबसे पहली बात तो ये मुझे दो जीरो साफ साफ दिख रहे हैं, आई कैन सी टू जीरो, सो वही दो जीरो दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ऑफकोर्स दिख रहे हैं। सो लेट सी वन, सी वन नहीं आर टू को कहते हैं, दैट विल बी, दैट विल लुक गुड राइट। सो आर टू और आर थ्री को यदि जीरो करेंगे या किसी को भी जीरो कर सकते हैं, सो ठीक है आर टू आर इन दोनों को ही जीरो करो, कॉलम वाला इजी होता है। तो सी वन रिप्लेस बाय सी वन माइनस सी टू एंड सी टू रिप्लेस बाय सी टू माइनस सी थ्री, ठीक है। तो क्या मिलेगा बेटा, वन माइनस वन इज जीरो, वन माइनस वन, ध्यान से सुनना, वन माइनस वन माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स इट विल बी माइनस साइन थीटा, वन माइनस वन जीरो, वाह तो और अच्छी बात होगी, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस साइन थीटा माइनस वन इज साइन थीटा एंड वन माइनस कॉस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। सो वॉट आई एम लेफ्ट आउट विथ इज, हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। नाउ कैन आई एक्सपैंड इट, कैन आई एक्सपैंड इट अलॉन्ग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हो, सो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो से यदि मैं एक्सपैंड करूँ तो मुझे मिलेगा ये जीरो यहाँ पे तो प्लस का साइन आएगा, दैट मीन्स वन ऑफ माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जीरो ये तो गया मतलब माइनस जीरो, ठीक है। तो मुझे जो डेल्टा की वैल्यू आ रही है, लेट से यदि मैं इसको डेल्टा बोलूँ, लो मान लिया हमने कि ये डेल्टा है, तो हमें बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सो व्हाट विल बी द डेल्टा मैक्स बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कैन ही मल्टीप्लाई टू एंड टू,
2 और 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं. सो व्हाट आई गेट फॉर द डेल्टा मैक्स इज साइन 2 थीटा अपॉन 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज -1 to 1. जो साइन का रेंज होता है -1 to 1 होता है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा उसकी 1 होती है. दैट मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज 1. तो यहाँ पे इसका भी डेल मैक्स कितना आ जाएगा 1/2. इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा देन इट विल बी -1/2, क्योंकि साइन 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू जो होगा दैट विल बी -1. इज रिस्पेक्टिव के अंदर एंगल क्या है, इज रिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल इनसाइड द साइन, साइन के अंदर जो भी एंगल है. आपको ये पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम इज 1 एंड मिनिमम इज -1. तो जो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 होगा, ठीक है. तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 1/2. समझ में आ रही बात. चलिए, सो प्रश्नों का सिलसिला यूं ही बरकरार रखते हुए कहते हैं हम अपना अगला प्रश्न, और पेश है आपके सामने प्रश्नों की बौछार. द क्वेश्चन इज प्रूव दैट फॉर द डिटर्मिनेंट फॉर प्रूव दैट फॉर ए बी ए अल्फा प्लस बी बी सी बी अल्फा प्लस सी ए अल्फा प्लस बी बी अल्फा प्लस सी एंड जीरो आइदर ए बी एंड सी आर इन GP or alpha is the root of quadratic equation that is ax square प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. मतलब इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे मुझे ये मिलेगा दैट कि या तो ए बी सी जी पी में मिलना चाहिए, आइदर ए बी सी जी पी में हो, या तो फिर आइदर ए बी सी जी पी में हो, या तो फिर अल्फा इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी. जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आ रही है तो मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवा दूं दैट यदि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स आपको साफ साफ पता है कि 2 और 3 इसके रूट्स होते हैं, तो यदि मैं एक्स की जगह पर 2 रखूँ वाई की जगह पर 3 रखूँ तो यह सेटिस्फाई करेगा. अब यदि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अल्फा इसका रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब वो इस कंडीशन को इस केस को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से कितना हो जाएगा बेटा ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, राइट. और दूसरी चीज क्वाड्रेटिक जीपी के बारे में बोल रहा है, दैट मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बोल रहा है. सो इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी तो आपके दिमाग में फटाक से ना क्लिक करना चाहिए दैट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, है ना. बी स्क्वायर कितनी होनी चाहिए, ए सी के बराबर. तो हमें यही दोनों प्रूफ करना है कि या तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, या तो फिर ए बी सी जी पी में होगा, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए. ओके, सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ये भी क्वेश्चन करते हैं. तो भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये देखिए, कल हम लोग ने क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, वी हैड डन अ क्वेश्चन ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, और वहाँ पे था साइन अल्फा प्लस डेल्टा समथिंग, कुछ याद आ रहा हो शायद. तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है कि मुझे चाहिए भैया मैक्सिमम जीरो, मुझे क्या चाहिए, जितने जीरो आ सके मुझे वो चाहिए. ओके, सो यदि मैं इसमें अल्फा मल्टीप्लाई कर दूँ और इससे माइनस कर दूँ तो काम हो जाएगा. यदि इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करूँगा तो ए अल्फा हो जाएगा, इसमें ऑटोमेटिकली बी है. सो कैन आई रिप्लेस इन दिस डिटर्मिनेंट, कैन आई रिप्लेस सी थ्री बाय सी वन इन टू अल्फा, पहले सी थ्री लिखना पड़ेगा. कैन आई रिप्लेस दिस सी थ्री बाय सी थ्री माइनस सी वन इन टू अल्फा प्लस सी टू, यस और नो. क्योंकि देख लो, जब सी वन में अल्फा प्लस करोगे तो ये ए अल्फा हो जाएगा प्लस बी, यानी ए अल्फा प्लस बी काम चल रहा है. B into alpha plus C, B into alpha plus C काम चल रहा है. मतलब what I can do, C3 को मैंने किससे रिप्लेस किया, C1 alpha, C3 minus C1 alpha plus C2 से. So what I'll get with
ये दोनों में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, अपने ज़िंदगी में बहुत खुश है बेचारे लोग, बेचारे नहीं खुश है तो डेफिनेटली खुश है। चलिए नाउ व्हाट हैपन्स टू C3 के साथ क्या होगा, देखिए हम साइड में लिख लेते हैं जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में लिखते थे, दैट इज ए अल्फा प्लस बीटा माइनस C1 की जगह पर कितना है बेटा ए अल्फा, और साइन चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस C2 की जगह पर कितना है बीटा, विच कैंसल्स आउट एवरीथिंग एंड वी गेट जीरो। सिमिलरली यहाँ पे C3 कितना है बेटा, दैट इज बी अल्फा प्लस सी, C3 कितना है बी अल्फा प्लस सी माइनस C1 इंटू अल्फा, C1 की जगह पे बी लोगे दैट मीन्स माइनस बी ऑफ अल्फा, और C2 प्लस है तो साइन माइनस होगा, और C2 की जगह पे कितना लोगे सी, अगेन धड़ धड़ गोली चलने पे यहाँ पे मुझे कितना मिल गया जीरो। नाउ दिमाग खराब ये करेगा बिकॉज ये तो जीरो है, इसमें मुझे अल्फा मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा बेटा ए अल्फा स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा नहीं माइनस बी अल्फा, ठीक है क्योंकि माइनस हो रहा है। ठीक है यदि विश्वास नहीं है तो लो पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं बाद में सॉल्व करेंगे ओके। और ये ऑलरेडी क्या है बेटा प्लस बी अल्फा प्लस सी, दैट मीन्स कितना हो जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा टू बी अल्फा माइनस है तो माइनस टू बी अल्फा एंड माइनस सी राइट। इसको थोड़ा सा माइनस को बाहर ही निकाल के लिखते हैं दैट इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी, ठीक है। अच्छा किसके अलॉन्ग एक्सपैंड करना चाहिए बेटा थर्ड जो, और प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ओके, मतलब वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इट अलॉन्ग किसके अलॉन्ग दैट इज कॉलम 3। तो ये दोनों तो जीरो हैं भाई साहब, यहीं से स्टार्ट होगा दैट इज माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी, और साथ में आ जाएगा ये है तो ये गया दैट मीन्स ए सी माइनस बी स्क्वायर। माइनस का तो कोई काम धाम नहीं है, माइनस का तो कोई काम धाम नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन ही होगा कि यदि इसके वैल्यू जीरो देन आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो माइनस को इधर भेज दिया मैंने, कोई काम धाम नहीं है, जीरो है, इसका मतलब क्या होगा बेटा ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो फिर ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी। यदि इसकी वैल्यू जीरो हो गई दैट मीन्स हमने ये प्रूफ कर दिया दैट अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस, सो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है दैट अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है कि ए बी सी जी पी में है, तो यदि मैं यहां से चेक करूं तो ए सी की वैल्यू बी सी स्क्वायर आ रही है विच प्रूव्स दैट ए बी एंड सी आर इन जी पी, ये सुनो। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी हमने अंजाम दिया है सही सही उत्तर के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सेवा में बोर्ड पे है। तो आज ये क्वेश्चंस जो हैं उसमें थोड़ा सा आपको लास्ट क्लास या लास्ट लेक्चर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है, हल्का सा ज़्यादा दिमाग लगाना है। बाकी यदि आपने वो सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखा है, क्वेश्चंस को खुद सॉल्व किया है, तो ये लॉजिक्स जो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं वी आर पुटिंग द लॉजिक्स, तो वो आपको समझ में आएगा। एंड मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाले लेक्चर को भी सिर्फ देखें, प्रश्न नोट करें, क्वेश्चन नोट डाउन करें, और इसका जो उत्तर है आंसर है आप खुद से लिखें, लॉजिक आपको याद रहेगा, और नहीं याद रखेगा नहीं याद रहता है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करिए ओके। चलिए सो अगला क्वेश्चन कहते हैं दैट इज ए एक्स स्क्वायर माइनस वन ए एक्स जीरो माइनस वन ए, और क्वेश्चन बहुत सुंदर सा है दैट इफ एफ ऑफ एक्स ये है, इफ दिस इज द एफ ऑफ एक्स फाइंड एफ ऑफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज को यूज करके आप इसे प्रूफ कर दीजिए भैया, आप एक वैल्यू फाइंड कर दीजिए दैट इज एफ ऑफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के ओके। तो बड़ा दिग्गज क्वेश्चन तो है नहीं, पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है यहाँ पे कि कॉलम वन से भैया ए डायरेक्टली मेरे पास कॉमन आ सकता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चीज़ आपने नोट डाउन किया, दैट मीन्स आई कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए वन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन ए एक्स एंड जीरो माइनस वन ए। और दूसरी चीज़ और भी साथ साथ दिख रही है कि एक जीरो आपने मदद कर दी, क्वेश्चन ने हमें खुद मदद कर दिया एक जीरो दे के, और एक जीरो मैं ला सकता हूँ वेन आई एड C1 एंड C2, वेन आई रिप्लेस C1 बाय C1 प्लस C2, सो वॉट आई गेट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए तो बाहर विराजमान ही है, 1 माइनस 1 इज 0 एक्स प्लस ए, और यहां पे कितना होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, यदि मैं एक्स को कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा एक्स प्लस ए। बाकी लोग हम तो भाई जैसे थे
वैसे रहेंगे, रहिए वैसे. वॉट कैन आई सी दैट कॉलम वन से मुझे x प्लस ए कॉमन मिल जाएगा, दैट मीन्स ए इंटू एक्स प्लस ए जीरो वन एक्स, राइट, माइनस वन ए एंड ए एक्स जीरो माइनस वन ए. कोई कहने का मतलब, यदि एक बार आपको क्वेश्चन का स्टार्ट मिल जाए ना, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है, धीरे 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 आपको अगले स्टेप्स खुद ही समझ में आने लगेंगे. ओके चलिए, सो ये हो गया आपके पास a इंटू एक्स प्लस ए, इसको सॉल्व करते हैं. तो प्लस माइनस एक्स साइन आएगा और माइनस वन. ध्यान से देखिए आप क्या लिखोगे बेटा, जीरो इंटू अ डिटर्मिनेंट माइनस ऑफ माइनस वन इंटू डिटर्मिनेंट, राइट. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, दैट इज a, और माइनस तो आता ही है, माइनस ए एक्स हो जाएगा, तो दिस विल बिकम प्लस ए एक्स. ये माइनस माइनस गया, सो ए इंटू एक्स प्लस ए, ये तो प्लस हो गया, हटाओ इसको. इसमें से ए कॉमन लेने पे क्या मिलेगा मुझे, दैट इज ए प्लस एक्स. दैट मीन्स आई कैन राइट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए का स्क्वायर. वॉट आई कैन राइट इज ए इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर. दिस इज एफ ऑफ एक्स. ये आपके पास कितना आ रहा है बेटा, एफ ऑफ एक्स आ रहा है. सो इफ आई need to find, यदि मुझे f of 2x निकालना है, तो f of 2x कितना आएगा बोलिए, a square, x की जगह पर कितना लिखोगे, 2x plus a square, right? और यदि आपको f of 2x minus f of x निकालना है, तो a square, ध्यान से देखिए 2x plus a का whole square को मैं क्या लिखूंगा, 4x square plus a square plus 4ax. माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स ही चल रहा है, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स. कैन यू टेक ए स्क्वायर कॉमन, तो आई गेट फोर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स. थर्ड सो ए स्क्वायर तो बाहर विराजमान है, ए स्क्वायर बाहर विराजमान है, और कुछ तो गड़बड़ है. ए को कॉमन लोगे तो आपके पास वन प्लस एक्स मिलेगा, राइट. ए को जब आप कॉमन लोगे तो आपको वन प्लस एक्स मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास एक्स प्लस ए है. सो वी कैन राइट हियर ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, बिकॉज एज वी टेक ए कॉमन, जैसे आप ए कॉमन लोगे तो यहाँ पे वन प्लस एक्स होगा, नॉट एक्स प्लस वन होगा. तो यस, वाई, बिकॉज ए इंटू ए इज ए स्क्वायर. तो जब आप ए को कॉमन लोगे तो एक्स प्लस ए आ जाए, वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ था. ओके सो बाकी सब तो सही है. अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 4x square minus x square is 3x square, और 4x minus 2x is plus 2ax. फिर से एक a को कॉमन ले सकते हो, a को कॉमन लेने पे मुझे मिल जाएगा दैट इज a cube into 3x. a को कॉमन नहीं ले सकते हो, x को कॉमन ले सकते हो, कोई बात नहीं, यहीं तक आंसर रखते हैं, दैट इज a square into 3x square plus 2ax. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ. ठीक है, आपको क्या निकालना था, पहले f ऑफ 2x, देन आपको क्या निकालना था, f ऑफ x. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं. सो देख लीजिए क्वेश्चन का, हम लोग ने थोड़ा सा लेवल हाई किया है कंपेरेटिवली टू द लास्ट लेक्चर. ठीक है, जो भी आपका लास्ट लेक्चर था, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी निकाल के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना था. यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट को तो यूज़ करना ही करना है, उन प्रॉपर्टीज़ को तो यूज़ करना ही है, लेकिन साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें मसाला भी डाल रहे हैं. ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन का मसाला देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज द क्वेश्चन इज एक्स सी वन एक्स सी टू एक्स सी थ्री वाई सी वन वाई सी टू वाई सी थ्री जेड सी वन जेड सी टू एंड जेड सी थ्री. ओके, यू हैव टू इवेल्युएट दिस, आपको इसको इवेल्युएट करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को लगा के. यदि आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ना लगाओ, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डज अ कॉम्बिनेशन मीन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, राइट. मतलब यदि आपको दिया है एन सी आर, ठीक है, एन सी आर, इसका मतलब क्या होता है बेटा, दिस इज द कॉम्बिनेशंस. एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करने का कितना तरीका हो सकता है, क्या क्या तरीका हो सकता है, दैट इज मीन दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन. ओके, तो आपको इसका एक्सपेंशन पता है, दैट शुड बी फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट. मतलब जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, साथ में ऊपर माइनस नीचे रहेगा, यस नो. तो दैट इज द कॉम्बिनेशन. फिर से यदि मान लीजिए आपके पास कुछ चीज़ है ऊपर सी नीचे, देन इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, ऊपर है जो ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे है जो नीचे का फैक्टोरियल, इंटू ऊपर माइनस नीचे,
लिख लेना है, ठीक है। जैसा नो, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, इनटू ऊपर माइनस नीचे। तो यदि मैं आपसे बोलता हूँ, इफ आई से यू दैट xc1 का मतलब क्या होगा, सो व्हाट विल यू से दैट फैक्टोरियल x फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल x माइनस 1, राइट है ना। अच्छा, और आपको एक और चीज पता है कि फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट। मतलब एक एक कम होते जाएगा, कब तक कम होगा, 1 तक, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये नोन सी बात होती है, कॉम्बिनेशन के ऊपर या नीचे जो भी लिखा होता है, एन और आर दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए बेटा, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए या होल नंबर होने चाहिए, ओके। सो यदि आप 7 में से एक कम किया हमने, फिर दो कम किया, फिर हमने तीन कम किया, तो जब मैं फैक्टोरियल एक्स को ओपन करूंगा, तो फैक्टोरियल एक्स को ओपन करके एक्स फैक्टोरियल x माइनस 1 लिख सकता हूं। क्यों भाई? क्योंकि 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 को मैं 7 into फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूं, है ना। क्यों? मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमने इस x को कहां तक ओपन किया, अप टू फैक्टोरियल x माइनस 1, जो 11th क्लास में हम लोग ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उस समय आपको ये चीज समझ में आया होगा, समझाए थे हमने कि क्यों कहां तक ओपन करना है। नाउ सो और नीचे भी क्या है, x माइनस 1, तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला कि x माइनस 1 से x माइनस 1 चला गया। इसका मतलब xc1 का वैल्यू x होता है, तो yc1 का वैल्यू y होगा और zc1 का वैल्यू z होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस कैल्क फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सी टू, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, इंटू ऊपर माइनस नीचे। सुनो, अब x को मुझे ओपन करना है, तो मैं कहां तक ओपन कर दूंगा, x इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2 पे ताला लगा दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। क्यों भाई? क्योंकि नीचे भी मेरे पास क्या है, x माइनस 2, और 2 को ओपन करोगे तो 2 इंटू 1, और यहां पे भी x माइनस 2, हटाओ इसको। मतलब एक्स सी 2 को आप लिख सकते हो x इंटू एक्स माइनस 1 बाय 2। क्या लिख सकते हैं बोलिए, x इंटू एक्स माइनस 1 बाय 2। तो y c 2 को क्या लिखोगे, y इंटू y माइनस 1 बाय 2, ओके, y इंटू y माइनस 1 बाय 2। और z c 2 को क्या लिखोगे बोलो, z इंटू z माइनस 1 बाय 2। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं x c 3 की वैल्यू की तरफ। x c 3 का मतलब जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, इंटू ऊपर माइनस नीचे। अब हम काम करेंगे x को ओपन करने का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, x माइनस 3 पे ताला लगा दीजिए, क्योंकि नीचे भी आपके पास x माइनस 3 है, और इस फैक्टोरियल 3 को आप 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हो, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स सी 1 की वैल्यू, एक्स सी 3 की वैल्यू आ गई मेरे पास x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली एक्स सी 3 की वैल्यू ये सब है, तो वाई सी 3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा बोलो, दैट इज वाई इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। और z c 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ व्हाट आई सी इज, देखिए R1 में से x को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से R1 में से x को कॉमन निकाल लिया, R2 में से y कॉमन निकल गया, R3 में से z कॉमन निकल गया, राइट। और जो ये वाला कॉलम है, जो ये वाला कॉलम है, इससे आप 1/2 को कॉमन निकाल लोगे, यस नो। और जो ये वाला कॉलम है थर्ड कॉलम, इसमें से 3 इंटू 2 इंटू 1 को कॉमन निकाल लोगे, तो आपके पास क्या बचा, x भाई साहब चले गए बाहर, x भाई साहब चले गए बाहर, 2 भी चले गए, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे भी कौन कौन बाहर चला गया बेटा, 3 2 1 चला गया, x चला गया, मतलब x माइनस 1 और x माइनस 2 बचा। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को कैन आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, क्यों भाई, 2, यस नो, चेक कर लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ओके। तो इसको मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सिमिलरली y भाई साहब चले गए, y माइनस y चले गए, y बाई 2 यहाँ से गया, दैट मीन्स क्या बचा, y माइनस 1, और यहाँ से y और ये भी चला गया, तो मुझे बचेगा y माइनस 1 इंटू y माइनस 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, एंड सेम फॉर हियर, ओके। तो अब भाई क्वेश्चन तो मैं को बताना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, राइट। क्या करना है, ऑपरेशन साफ साफ दो जीरो दिख रहे हैं मुझे, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस प्रश्न को, गौर से देखिए क्या मिलेगा मुझे, मुझे दो जीरो साफ साफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, क्योंकि व्हेन आई डू आर वन रिप्लेस्ड बाय आर वन माइनस आर टू एंड आर टू रिप्लेस्ड बाय आर टू माइनस आर थ्री, ओके। सो इसको हम शोभा में बाहर लिखते हैं, विराजमान 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 एंड 12 × 1 = 12, ओके भाई साहब। नाउ आर वन माइनस आर टू, वन माइनस वन जीरो, एक्स माइनस वन माइनस वाई प्लस वन, यहाँ पर मुझे मिलेगा एक्स माइनस वाई,
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसे माइनस करने से मुझे मिलेगा धड़ धड़, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई, लिख सकते हो या सुनो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, और यदि इसमें से मैं माइनस थ्री को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे एक्स माइनस वाई आएगा, मतलब इसमें से फिर से मैं एक्स माइनस वाई को कॉमन लेने से एक्स प्लस वाई माइनस थ्री कॉमन आएगा, है ना, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग दैट इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, ठीक है, वन माइनस वन जीरो, जिस तरीके से आपने इसमें माइनस किया था तो एक्स माइनस वाई आया था, इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा वाई माइनस जेड, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा नहीं पता, चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें भी नहीं पता, वैसे मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स और वाई को किससे रिप्लेस करना है वाई और जेड से, तो वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड माइनस थ्री आना चाहिए, ओके चलिए आप लिख के लिखा देते हैं दैट इज वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू, इससे माइनस करना है माइनस जेड स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस टू, गोली चला दो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड लिख सकते हो, इसमें से माइनस थ्री कॉमन लेने पे माइनस थ्री कॉमन लेने पे वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड को यदि आप फिर से कॉमन लेते हो तो आपके पास मिलेगा वाई प्लस जेड माइनस थ्री, ये तो मैंने बोला था, और यहाँ पे वन जेड माइनस वन जेड स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू, राइट, चलिए अब अगला काम आप बता सकते हैं कि अगला काम क्या होना चाहिए, अगला काम एक सिंपल सी चीज़ है दैट इट शुड बी सिंपल, ये क्या होना चाहिए बेटा एक सिंपल एक्सपेंशन होना चाहिए अलॉन्ग किसके, अलोंग किसके, अलोंग C1 के, सो लेट अस एक्सपैंड इट अलोंग C1, तो जैसे आप इसे C1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे क्या मिलेगा आपको, ये 1 है बाकी इधर इधर होगा, तो देखिए क्या होगा मिलेगा 1, और 1 के साथ क्या होगा बेटा दैट इज x माइनस y इंटू वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड माइनस थ्री, ये सुनो क्योंकि ये 1 है तो ये इंटू ये माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑफ y माइनस जेड एक्स माइनस वाई एंड x प्लस वाई माइनस थ्री, राइट, या फिर एक स्टेप आप और ऐड कर सकते थे कि इसमें से x माइनस वाई को कॉमन ले लेते, इसको y माइनस जेड को इसमें से कॉमन लेते, कोई बात नहीं अभी कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड सब में से कॉमन आ रहा है, तो वट वी हैव इज एक्स वाई जेड बाय ट्वेल्व, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया y माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो जो बचा दैट इज y प्लस जेड माइनस थ्री, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस थ्री, जाइए भैया और कुछ जाना है चले जाओ, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड बाई ट्वेल्व इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा एक्स वाई जेड बाई ट्वेल्व एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, चलिए भाई तो मुड़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न बड़ा आसान सा प्रश्न है, दिखने में ही बहुत आसान सा दिखेगा, ध्यान से देखिए गौर से देखिए इस प्रश्न को, दैट इज अंडर रूट थर्टीन प्लस अंडर रूट थ्री टू अंडर रूट फाइव अंडर रूट फाइव, अंडर रूट फिफ्टीन प्लस अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स फाइव अंडर रूट टेन थ्री प्लस अंडर रूट सिक्सटी फाइव अंडर रूट फिफ्टीन एंड फाइव, तो ये है हमारा अगला प्रश्न आपके लिए, When I see this question, let's say determinant है A. When I see this question, what I get is एक दिमाग लगा सकते हो आप क्या कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, और मैंने आपको जो लास्ट प्रॉपर्टी बताया था कि जब कभी भी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में दो डिजिट्स का या दो चीज़ों का दो टर्म्स का सम होता है तो वी कैन सेपरेट इट, राइट, तो यहाँ पे हम उसका सेपरेशन कर सकते हैं, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, सेपरेट करने से पहले मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे कि आई कैन टेक अंडर रूट फाइव कॉमन फ्रॉम दिस एंड अंडर रूट फाइव कॉमन फ्रॉम दिस, हाँ या ना, यस आई कैन सी इट, तो जैसे मैंने अंडर रूट फाइव को कॉमन लिया मुझे क्या मिलेगा बेटा दैट इज अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट फाइव को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी अंडर रूट फाइव आया यहाँ पे से भी अंडर रूट फाइव आया, सो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भाई बोलो क्यों, क्यों हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे, रहिए वैसे, कौन मना कर रहा है आपको, नाउ अंडर रूट फाइव गया टू बचा, अंडर रूट फाइव गया अंडर रूट फाइव बचा, अंडर रूट फाइव गया अंडर रूट थ्री बचा, ओके अंडर रूट फाइव गया वन बचा, अंडर रूट फाइव गया अंडर रूट टू बचा, अंडर रूट फाइव गया अंडर रूट फाइव बचा, ओके नाउ व्हाट आई कैन डू इज सेपरेशन, अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट फाइव तो फाइव होता है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बेटा अंडर रूट थर्टीन अंडर रूट फिफ्टीन थ्री
2 under root 5 under root 3 and 1 under root 2 under root 5 plus दूसरे वाले एलिमेंट्स अंडर रूट 3 अंडर रूट 26 अंडर रूट 65 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 1 नहीं 1 या अंडर रूट 1 बात सेम है एंड अंडर रूट 5 ओके। अब ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, बहुत गौर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, कि क्या जादू हो रहा है यहाँ पे। जादू क्या हो रहा है कि अंडर रूट 15 है और अंडर रूट 5 है, मतलब यदि यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये अंडर रूट 15 हो जाएगा, ये 3 है और ये अंडर रूट 3 है, इसमें भी यदि मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। मतलब आपका जो पहला वाला डिटर्मिनेंट है, जो पहला वाला डिटर्मिनेंट है उसमें मुझे एक चीज साफ साफ दिख रही है, इन द फर्स्ट डिटर्मिनेंट, जो पहला वाला डिटर्मिनेंट पे है इसमें मैं क्या ऑपरेशन लगा दूं बेटा, दैट इज C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस इसमें अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करके, है ना। अच्छा इधर देखते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 13 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 26, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 13 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 65, दो दो जीरो मिल जाए दोनों केसेस में, मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा दैट इज C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस अंडर रूट 13 इंटू C3, है ना। चलिए सो कैन वी गो फॉर अप्लाइंग, चलिए तो ए 5 बाहर बैठे हुए हैं, यहां से देखो C1 माइनस अंडर रूट 3 root 2, तो C1 मतलब अंडर रूट 13 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3, ओके 15 अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 दैट इज 0 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अगेन 0। बाकी हम तो वही जैसे थे वैसे रहेंगे, ओके प्लस ये 5 को बांट देते हैं, चलो चले जाओ 5 अलग अलग। नाउ इसमें जो ऑपरेशन है कि C2 को नहीं C1 को ही रिप्लेस करेंगे हम, तो C1 को रिप्लेस करना है C1 माइनस अंडर रूट 3 C3 से, तो देखिए आपको इसमें अंडर रूट 13 करना है, कितना करना है अंडर रूट 13, तो अंडर कितना हो जाएगा यहीं पे कर लेते हो साइड में पहले, रूट 3 माइनस अंडर रूट 13 इंटू 1 हो जाएगा, ये कितना हो गया बेटा अंडर रूट 26 माइनस अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा दैट इज अगेन 0 और अंडर रूट 65 माइनस अंडर रूट 13 इंटू अंडर ये भी 0 हो जाएगा। मतलब मुझे जो मिलेगा साफ साफ लफ्जों में बोलूं तो 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 13 0 0, बाकी के दो क्या बोलेंगे, हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे, रहिए बहुत अच्छी बात है, ओके। अब एक्सपैंडिंग बोथ द डिटर्मिनेंट्स अलॉन्ग व्हाट, अलॉन्ग R1, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा दैट इज 5 इंटू रूट 13 माइनस 2 रूट 3, ध्यान से देखना रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा बेटा 5 एंड रूट 3 इंटू रूट 2 कितना होगा माइनस रूट 6, राइट। चलिए प्लस 5 यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 13 के अलॉन्ग हम एक्सपैंड करते हैं, दोनों को हम लोग कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, तो रूट 5 इंटू रूट 5 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6, राइट। तो दोनों में से जो कॉमन आ सकता है दैट इज क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास, 5 कॉमन आ सकता है और 5 माइनस रूट 6 कॉमन आ सकता है, यस और नो। बचेगा क्या यहाँ पे अंडर रूट 13 माइनस 2 रूट 3, यहाँ पे प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 13 धड़, तो यहाँ से 5 इसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ तो माइनस 5 हो जाएगा दैट इज अंडर रूट 6 माइनस 5, है ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ रूट 3 आ जाएगा दैट मीन्स आई गेट 5 रूट 3 इंटू रूट 6 माइनस 5 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। जिसको और लिखना है वो क्या लिख सकता है 5 अंडर रूट 18 माइनस 5 रूट 3, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी तरीके से ये सब क्वेश्चंस होंगे, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपन रखना है, खुला रखना है, कुछ जाना चाहिए, ठीक है। एक तरफ से खुला रखो ये दिमाग और एक तरफ से बंद रखो, ये नहीं कि जो जा रहा है वो फिर चल के चला ही गया, नहीं वहीं पे स्टोर करके रखना है। चलिए तो अब बारी आती है कुछ महारथियों की, महारथियों मतलब कुछ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, यदि आप कोई क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं डोंट गेट पैनिक, ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए या तो फिर आप सिर्फ क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, ठीक है। आप जब वीडियो कंप्लीट हो जाए उसको खुद से सॉल्व करो, यदि नहीं बनता है तो गो थ्रू दैट स्क्रीनशॉट्स, ओके, बिकॉज नाउडेज स्क्रीनशॉट इज अवेलेबल ऑन लैपी कंप्यूटर्स एंड ऑफकोर्स मोबाइल। अब मैंने यदि ये बोर्ड साफ किया है पूरा अच्छे से,
पूछा लगाया इसके ऊपर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दिग्गज भी बोल रहा हूँ तो किस तरीके का प्रश्न होगा ये, राइट। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बोर्ड पे, x प्लस वाई का स्क्वायर जेड एक्स एंड जेड वाई, जेड एक्स एंड जेड वाई, जेड प्लस वाई का स्क्वायर एक्स वाई, एक्स वाई जेड प्लस एक्स का स्क्वायर। यू हैव टू प्रूव इट एज टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए, सो फॉर प्रूविंग दिस क्वेश्चन व्हाट कैन वी डू, सबसे पहली बात तो ये दिख रही है कि यदि यहां पे z होता ना तो मैं कॉमन निकाल लेता, है ना, और यहां पे x होता ना तो मैं कॉमन निकाल लेता, और यहां पे y होता ना तो मैं कॉमन निकाल लेता, यस और नो। अच्छा, ये बात है। तो एक और बात फिर समझिए कि यदि आप इस तरीके के प्रश्न को यदि ऐसे कर रहे हो सॉल्व, मतलब हम एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी को कॉमन निकालते हैं, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में हुआ है। मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर वन बाय, आर वन को किसकी ज़रूरत है, जेड की ज़रूरत है, आर टू को किसकी ज़रूरत है, एक्स की ज़रूरत है, और आर थ्री को किसकी ज़रूरत है, वाई की ज़रूरत है, ठीक है। तो यदि आप पहले हम डिवाइड वाला बाहर लिख लेते हैं कि लो भाई हमने डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई वाला हम अंदर लिखेंगे, सिंस यहाँ पे जेड की ज़रूरत है, सो जेड इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स एंड जेड स्क्वायर वाई। यहाँ पे मुझे एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, तो जेड इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू जेड प्लस वाई का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे जेड वाई है, जेड वाई का मतलब क्या होगा बेटा, जेड वाई का मतलब क्या होगा, दैट यहाँ पे मुझे वाई चाहिए, सो जेड वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई इंटू जेड प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये क्यूब होगा। नाउ अब देखिए, इधर से हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया था, कॉमन हम इधर से जेड को उठाएंगे, इधर से एक्स को उठाएंगे, इधर से वाई उठाएंगे, तो एज आई टेक एक्स वाई जेड इज कॉमन, नीचे भी एक्स वाई जेड है, यहाँ से जेड चला गया तो क्या बचा बेटा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, राइट। यहाँ से x जा रहा है, x जा रहा है तो क्या मिलेगा मुझे, z स्क्वायर, z प्लस वाई का स्क्वायर एंड y स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा था, y कॉमन जा रहा था, तो क्या बचेगा, z स्क्वायर, x स्क्वायर एंड z प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंस मुझे जीरो नहीं दिख रहे हैं फिर भी मुझे दो जीरो दिख रहे हैं, जीरो नहीं दिख रहे हैं फिर भी मुझे दो जीरो दिख रहे हैं, क्योंकि z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर जीरो हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। मीन्स द ऑपरेशन दैट आई कैन गो इज कि मैं कॉलम वन को मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, कॉलम वन को रिप्लेस कर दूं सी वन माइनस सी थ्री से, एंड कॉलम टू को रिप्लेस करूं सी टू माइनस सी थ्री से, इसमें भी है मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, ओके। सो ये तो गया भाई साहब, अब क्या बचा बेटा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा जीरो, और यहाँ पे क्या मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। एंड सी टू हैज टू बी रिप्लेस बाय सी टू माइनस सी थ्री, दैट मीन्स जीरो, जेड प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और बाकी हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे। चलिए, अच्छी बात ये है कि we can apply the formula of a square minus b square, that is a minus b into a plus b, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा बेटा, that is x plus y minus z into x plus y plus z, ये जीरो है, ओके, और ये क्या कितना हो जाएगा बोलो, y minus z minus x and y plus x plus z, जीरो, this will be z plus y plus x and z plus y minus x, and this will be y minus z minus x and y plus z plus x, बाकी शांत स्वभाव के लोग as it is। अब देखिए, यहाँ से बाहर तो पहले कुछ था नहीं, लेकिन मैं इस कॉलम वन में से x plus y plus z को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी x plus y plus z को कॉमन ले सकता हूँ, ले सकते हो नहीं ले सकते हो, तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको, दैट इज x plus y plus z का होल स्क्वायर, और बचेगा आपके पास क्या, दैट इज x plus y minus z जीरो, y minus z minus x, है ना, और कुछ बचेगा क्या, और बचेगा जीरो, जेड प्लस वाई माइनस एक्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड चला गया, दैट मीन्स वाई माइनस जेड माइनस एक्स, राइट, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, दैट इज जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
जो सबसे यूनिक दिख रहे हैं ना, ये लोग, ये सबसे यूनिक दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक और चीज़, इस क्वेश्चन को और छोटा बनाने के लिए आप मुझे बताओ, यदि मैं इन तीनों को प्लस कर देता हूँ, इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, यस और नो? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे देखो आपके पास तीन टर्म्स हैं, यहाँ पे भी तीन टर्म्स हैं। यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है ये तो ठीक है, बाकी मैंने जो आर थ्री में काम किया है ना, R3 माइनस R2 माइनस R1 का किया है, मतलब R3 में से R2 भी माइनस होगा और R1 भी माइनस होगा। तो R3 क्या था आपके पास, Y माइनस Z माइनस X, R2 इसमें माइनस करोगे तो कोई काम नहीं। इसमें आप जब R1 को माइनस करोगे तो माइनस X माइनस Y प्लस Z होगा, जिससे फायदा ऑफ कोर्स मिलेगा। कितना हो गया बोलो, दैट इज X प्लस Y माइनस Z, क्योंकि R1 में तो कोई ऑपरेशन है नहीं आपके पास, तो ये एज इट इज, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। दिस विल बिकम माइनस टू एक्स, दिस विल बिकम माइनस टू एक्स, और ये भी वैसे ही होगा, दैट मीन्स आर थ्री माइनस आर टू माइनस आर वन, तो वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड माइनस वाई प्लस एक्स, और माइनस जीरो में करूँगा ही नहीं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स से एक्स और वाई से वाई, मुझे क्या मिला बेटा, माइनस टू जेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड लिख सकते हो, माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, तो इससे भी कुछ फायदा तो मिला ही मिला, दैट इज टू एक्स जेड, है ना। तो व्हाट कैन आई राइट इट, टू कॉमन ले सकते हो, तो टू कॉमन लेने पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में से टू कॉमन ले लिया, मतलब आपके पास कुछ कुछ चीज़ आ गई है, आपके पास कुछ कुछ चीज़ें आ गई हैं, आपको अब और कुछ कुछ चीज़ लिख के आना है। सो कैन आई टेक माइनस टू कॉमन लिया, नहीं मैंने टू कॉमन लिया, सो वॉट आई विल गेट इज एक्स प्लस वाई माइनस जेड जीरो एंड माइनस एक्स जीरो, जेड प्लस वाई माइनस एक्स एंड माइनस जेड, एंड जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू एक्स जेड में से टू चला गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे एक्स जेड है, यदि मैं इसमें से थर्ड दो में से यदि यहाँ पे जेड नहीं होता और मैं दोनों को प्लस कर देता तो जीरो आ जाता, और इसमें से यदि यहाँ पे x नहीं होता मैं इन दोनों को प्लस कर देता तो भी जीरो आ जाता। मतलब ऑपरेशन ध्यान से सुनिए, मेरा ऑपरेशन जो है दैट इज आर वन हैज़ बिन रिप्लेस्ड, जो आपका कॉलम वन है, जो कॉलम वन है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ c1 plus c3 बाय z। दो जीरो लाने हैं ना मुझे, और दो जीरो देखो कैसे आएंगे, C1 को किससे रिप्लेस करो, C3 बाय Z से, C1 इज बीइंग रिप्लेस्ड, माइनस X को आप किससे रिप्लेस, यदि यहाँ पे सिर्फ X होता और मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस दो को पहले मैंने क्या किया, C3 को Z से डिवाइड किया, C3 को मैंने Z से डिवाइड किया, आई डिवाइड C3 बाय Z, मैंने C3 को Z से डिवाइड किया और उसमें ये ऐड कर दिया तो आ जाएगा। सिमिलरली यदि मैं C2 में C2 प्लस C3 X से डिवाइड कर दूं, यदि इसको X से डिवाइड कर दूं और ये दोनों को प्लस कर दूं तो भी जीरो मिल जाएगा, दो जीरो मतलब काम खत्म, ओके। सो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास कितना है ध्यान से देखेगा, यदि आप C1 में काम कर दो तो वो तो सबके साथ ही होगा, तो X प्लस वाई प्लस जेड, ध्यान से देखना, X प्लस वाई प्लस जेड प्लस C3 बाय Z, दैट मीन्स Z स्क्वायर बाय Z, एंड Z स्क्वायर बाय Z कितना हो जाएगा बेटा, Z होगा। तो X प्लस वाई माइनस Z प्लस Z, Z से Z गया, कितना बचा मेरे पास, X प्लस वाई। दो ये धोखा देगा क्योंकि 0 प्लस X स्क्वायर बाय Z हो जाएगा, सो दैट विल बी X स्क्वायर बाय Z, ओके, एंड माइनस X प्लस एक्स जेड बाय जेड, दैट इज ये तो जीरो, उसी के हिसाब से ही हमने ये रूल बनाया था, ठीक है। नाउ अब C2 को भी रिप्लेस करना है, C2 प्लस C3X, तो जीरो प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स विल बी जेड स्क्वायर बाय एक्स, है ना। और ये कितना हो जाएगा बेटा, C2 का मतलब जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस C3 बाय X का मतलब कितना होगा, X स्क्वायर बाय X, X से X गया तो ये भी X बचा, ये भी X बचा, दैट मीन्स व्हाट आई विल बी गेटिंग इज Z प्लस Y, और ये भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसी के हिसाब से तो आपने ऑपरेशन बनाया था। और ये क्या बोलेगा, हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे। चलिए, कैन आई एक्सपैंड नाउ, कैन आई एक्सपैंड इट नाउ अलॉन्ग C3, नहीं R3, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग, तो जब मैं इसको R3 के अलॉन्ग एक्सपैंड करूंगा मुझे क्या मिलेगा बेटा, दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करना है तो ये तो आपका 3 थी, मतलब प्लस ही आएगा, तो x इंटू जेड, क्या है यहाँ पे x इंटू जेड, और x इंटू जेड मतलब ये,
ठीक है, ये क्या, तो क्या बचा मेरे पास, ध्यान से सुनना, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड इंटू जेड स्क्वायर बाय एक्स, यस नो। दो लाइन और बचा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज एक चीज तो आपके पास आ गई है, दैट इज टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्सजेड भी बाहर है, और ये कितना हो जाएगा बेटा ध्यान से देखो, एक्स जेड ओके प्लस एक्स वाई ओके प्लस वाई जेड ओके प्लस वाई स्क्वायर ओके, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स जेड, तो एक्सजेड से एक्सजेड कैंसिल हो गया, यस और नो। अब देखिए जो भी ये टर्म्स है एक्स वाई वाई जेड वाई स्क्वायर, इसमें से क्या मैं वाई को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, कॉमन लेने पे कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, और बचेगा आपके पास क्या, वाई कॉमन चला गया मतलब एक्स बचा, वाई कॉमन चला गया मतलब जेड बचा, और यहाँ पे वाई बचा, दैट वी कैन राइट इट टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, एंड सी दिस इज द आंसर, और यही था हमारा आंसर। तो इतनी मिन्नत के बाद आंसर मिला है हमें, समझ में आ रही बात, चलिए तो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि एटलीस्ट उस पार्ट को आप दोबारा देखें, ठीक है, फिर नहीं समझ में आ रहा है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, ठीक है। अगला भी एक दिग्गज क्वेश्चन है हमारे लिए, हमारे सामने, दैट इज वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर एंड जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर, दिस यू हैव टू प्रूव दैट इज डिविजिबल बाय, प्रूव दैट दैट दिस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इससे डिविजिबल होना चाहिए, एंड हेंस फाइंड द क्वेश्चन, इसके बाद आपको क्वेश्चन की भी वैल्यू ढूंढ के लानी। ओके, तो सबसे पहले व्हाट आई सी इज, देखिए ध्यान से, कुछ जादू दिख रहा है क्या क्वेश्चन में, कुछ जादू दिख रहा है, मुझे दिख गया कि इफ वी ऐड ऑल द रोस, यदि मैं सारे रोस को ऐड कर दूं या सारे कॉलम्स को ऐड कर दूं तो आंसर हमें सेम मिलेगा, जैसे हमने कल किया था, राइट जब भी सारे रोज को ऐड करोगे तो आपके पास फिर कॉमन लेने पे वन 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 आ जा रहा था या नहीं आ रहा था, मतलब यदि मैं ऑपरेशन में ये कह दूं कि आर वन इज रिप्लेस्ड बाय आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, क्योंकि देखिए इसका जब सम करोगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा, इन तीनों को जब ऐड करोगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा, और इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा, मतलब सेम है, तो सेम के लिए आप तीनों रोज को एक साथ ऐड कर देते हो, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा बेटा ध्यान से देखना, दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सेम ही ऑल्सो दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहां पे भी मुझे वही मिलेगा दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, है ना, और बाकी के लोग क्या बोलेंगे, कौन सा गाना गुनगुनाएंगे, दैट इज हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे, दैट मीन्स जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर एंड वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर, चलिए सो इसके बाद एक्स वाई जेड सबको कॉमन निकाल लो, जो सेम है उसको कॉमन निकालने से क्वेश्चन में थोड़ा सा राहत आएगा, बिकॉज आई विल बी गेटिंग इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड वॉट वी गेट इन साइड द डिटर्मिनेंट दैट इज वन 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 जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर, मुझे दो जीरो नहीं दिख रहे हैं फिर भी मुझे दो जीरो दिख रहे हैं, यस और नो, आई कैन सी टू जीरोस इन द डिटर्मिनेंट, ऑपरेशन क्या लगाओगे बेटा, दिमाग में सोचो जल्दी बताओ ऑपरेशन क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, ऑफकोर्स
C1 minus C2 and C2 minus C3. Means I replace C1 by C1 minus C2 and I replace C2 by C2 minus C3. So what I get is X plus Y plus, that is XY plus YZ plus ZX minus X square minus Y square minus Z square. और यहाँ पर जब आप operation लगाओगे 1 minus 1 will be 0. ध्यान से देखना एक बात कि if we have ZX minus Y square, मुझे इससे minus करना है, इससे minus करना है. So इस हम इसको short में बाहर कर देते हैं. That is ZX minus Y square minus XY प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जेड एक्स माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स कॉमन तो जेड माइनस वाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई. यस ऑर नो? तो जेड माइनस वाई का आप होल कॉमन लेने से मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा या नहीं मिलेगा. मतलब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी, जेड माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, सिमिलरली इसको जब आप करोगे तो आपके पास क्या होगा, बोलिए, दैट इज एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. वाई कॉमन लेने से एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड. एक्स माइनस जेड को फिर से जब आप कॉमन ले लोगे, सो वॉट आई विल बी लेफ्ट आउट विथ इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड. एंड सेम गोज इन द कॉलम टू ऑल्सो. वन माइनस वन कितना हो जाएगा बेटा, जीरो. एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर. देखो यहाँ पे जो डिफरेंस निकाले थे ये फिर डायरेक्टली छाप लेते हैं. दैट मीन्स एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों को माइनस करने से वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर. तो इस इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से मैं यदि भी जेड को कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वाई माइनस एक्स. और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स. मतलब इसको हम लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ये बेचारे लोग, हम तो भाई जैसे थे वैसे ही बैठ के गाना गुनगुनाएं, नो ऑप्शन. व्हाट आई सी इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ सकता है दोनों में से. यस और नो? वी कैन टेक एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन दोनों में से. तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जब आप दोनों में से कॉमन लोगे तो इसका स्क्वायर बचेगा. यहाँ पे क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 0 0 1, जेड माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स एंड जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर. यस और नो? तो अब देखिए, यदि ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए इतना होता कि प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हम यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, क्योंकि मुझे कितना मिल गया बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से साफ साफ डिविजिबल है. लेकिन क्वेश्चन तो चालाक है भाई, इसने क्या बोला कि आपको क्वेश्चन को भी फाइंड करना है. आपको क्या करना है, क्वेश्चन की भी वैल्यू फाइंड करना है. मतलब मुझे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा. यदि सिर्फ बोलता कि डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है दैट इट इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड से साफ साफ डिविजिबल है, जो कैंसिल होकर आंसर मिल जाएगा मुझे. ठीक है, चलिए सो आगे की बात करते हैं. इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा किसके अलोंग, लेट अस एक्सपैंड इट अलोंग आर वन. सो एक्सपैंडिंग अलोंग आर वन, व्हाट आई गेट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. और वन के साथ साइन तो आपका पॉजिटिव आएगा. इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स जेड माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर. ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड. इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से, कौन इतना बार बार लिखेगा. सो वॉट आई कैन डू इज जेड वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स, है ना. यहाँ पे साइन क्या है बेटा, माइनस, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड. इतना लिख सकते हो. फिर से सॉल्व करते हैं माइनस साइन ओपन करके, तो जेड वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड दिस विल बी प्लस टू एक्स जेड. टू एक्स जेड और जेड एक्स, ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स जेड हो जाएगा. मतलब देखना ध्यान से, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स.
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड विच इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड इट इज एब्सोल्यूटली डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड वॉट आई गेट एज अ क्वेश्चन It is divisible by x plus y plus z and what I get as a quotient is एक x plus y plus z कट जाएगा ठीक है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और हमारा आंसर भी आता है ओके सो दिस इज द वे हाउ टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कि हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एज मच एज क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस बिकॉज दैट विल मेक You more capable to do such questions as we did today. Okay, so thank you for today. We will meet soon for the next class. Thank you.